गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम प्रसार शिक्षण के स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। प्रसार शिक्षण किसी भी प्रक्रिया को करने के लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना आवश्यक होता है, तभी वह प्रक्रिया सिस्टमैटिक तरीके से पूर्ण होती है, सफल होती है, उसके पश्चात उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। किसी भी क्रिया को के परिणाम यकायक नहीं प्राप्त किए जा सकते, यकायक किसी भी क्रिया को संपन्न नहीं किया जा सकता, उसे चरणबद्ध करना आवश्यक होता है। तो प्रसार शिक्षण प्रक्रिया जो होती है उसको पूर्ण करने के लिए, संपन्न करने के लिए भी कुछ स्टेप्स निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें हम प्रसार शिक्षा के चरण कहते हैं, जिसमें मुख्य रूप से फर्स्ट आता है ध्यान आकर्षण यानी कि अटेंशन। इनके शॉर्ट फॉर्म में के द्वारा उसका एक सारे स्टेप्स का एक नाम बनाया गया है, एड केस, AIDCKASE, एड केस। ये जो एट लेटर्स हैं वो एट स्टेप्स हैं प्रसार शिक्षण चरण के। जैसे ए फॉर अटेंशन, ध्यान आकर्षण, आई फॉर इंटरेस्ट, अभिरुचि, डी फॉर डिज़ायर यानी आकांक्षा, सी फॉर कन्विक्शन अर्थात विश्वास, के फॉर नॉलेज यानी जानकारी, ज्ञान, ए फॉर एक्शन क्रिया, एस फॉर सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि, और ई फॉर मूल्यांकन इवोल्यूशन यानी मूल्यांकन। तो AIDCKASE एटकेस, यह इसका स्टेप्स प्रसार शिक्षण विधि प्रसार शिक्षण प्रक्रिया के स्टेप्स हैं। फर्स्ट आ जाइए ध्यान आकर्षण। जब किसी परिणाम या प्रतिफल को देखते ही व्यक्ति का ध्यान उस ओर चला जाए तो उसे हम ध्यान आकर्षण की प्रक्रिया कहते हैं। जब हम टीवी में कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो हम तुरंत उसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। बच्चे टीवी में एडवर्टाइजमेंट देखकर तुरंत उस चीज़ की डिमांड कर देते हैं कि मुझे तो वही चाहिए। ये प्रक्रिया ध्यान आकर्षण की प्रक्रिया कहलाती है और ये सब ध्यान आकर्षण के कारण होता है। टीवी जो होती है वो ध्यान आकर्षित करने का एक सबसे लोकप्रिय और बढ़िया साधन माना गया है, सामग्री मानी गई है। टीवी पर जो ऐड दिखाए जाते हैं, विज्ञापन दिखाए जाते हैं, वो इसी उद्देश्य से दिखाए जाते हैं कि लोग उन प्रोडक्ट्स की तरफ आकर्षित हों और फिर उन्हें खरीदें और उनकी डिमांड करें। चौराहों पर, तिराहों पर जो बड़े बड़े पोस्टर्स लगाए जाते हैं वो इसी उद्देश्य से लगाए जाते हैं, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से। इसलिए प्रसार कार्यकर्ता को ग्रामीणों की को कुछ बातें बताने से पहले उनका उस और ध्यान आकर्षित करना आवश्यक होता है। और इस क्रिया के लिए, ध्यान आकर्षित करने की क्रिया के लिए दृश्य श्रव्य सामग्रियों का भी प्रयोग किया जाता है। लोगों के पास जाना, उनके कार्यस्थल पर भ्रमण करना, उन्हें नई विधियों के बारे में बताना और मेले, प्रदर्शनियाँ, एग्जीबिशंस आदि आयोजित करना, ये सब ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से ही किए जाते हैं। नेक्स्ट है अभिरुचि यानी इंटरेस्ट। जब व्यक्ति का ध्यान किसी चीज, वस्तु या उपलब्धि की ओर आकर्षित हो तो वह उसके बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्सुकता से तैयार हो जाता है, स्वतः ही अभिरुचि उत्पन्न हो जाती है। यही वह समय होता है जब प्रसार कार्यकर्ता को उस चीज़ के बारे में विस्तार से, आकर्षक तरीके से बताना होता है। बताते समय प्रसार कार्यकर्ता को यह सचेत रहना भी ज़रूरी है कि वह बातों को इस तरीके से न बताए कि लोग यह समझें कि अवश्य ही इस व्यक्ति का इसके पीछे कोई लाभ छिपा हुआ है। जब व्यक्तियों को यह लगता है कि इसके पीछे उस व्यक्ति का कोई लाभ छिपा हुआ है, फ़ायदा छिपा हुआ है, तो वह उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और बातों को मानते भी नहीं हैं।
इसलिए प्रत्यह प्रसार कार्यकर्ता को चाहिए कि वह लोगों को नवीन बातें जो है बड़ी ही आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करे, उनके सामने या उनको बताए। नेक्स्ट है डिज़ायर आकांक्षा, जो कि प्रसार शिक्षण प्रक्रिया का तीसरा चरण, तीसरा स्टेप है। और इसमें प्रसार कार्यकर्ता का यह कर्तव्य होता है कि उसने जो नई जानकारियां ग्रामीणों को दी हैं, वो उन जानकारियों के माध्यम से लोगों में अभिरुचि या रुचि जगा सके, उनमें उनके मन में उन जानकारियों के प्रति आग लगा सके। क्योंकि जिस वस्तु के बारे में लोगों को बताया जाता है, तब उनमें भी उस वस्तु को प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न हो जाती है, ललक उत्पन्न हो जाती है। आकांक्षा एक अतिरिक्त शक्ति होती है जो सीखने की क्रिया को बढ़ा देती है। जिस व्यक्ति में नई चीज़ों को सीखने की आकांक्षा होती है, वह बड़े ही लगन, मेहनत और उत्साह से उस कार्य को सीखने में जुट जाते हैं। परिणामतः प्रसार कार्यकर्ता का दायित्व और भी अधिक बढ़ जाता है कि वह आकांक्षा के स्तर को बनाए रखे, उसके लिए उचित वातावरण तैयार करे, लोगों को नई तकनीकें सीखने के लिए विवश करे, लोगों को नई नई रोचक जानकारियाँ देता रहे, परिणाम प्रदर्शन की पुनरावृत्ति करता रहे। यदि ऐसा करने में प्रसार कार्यकर्ता सफल हो जाता है, तो समझना चाहिए कि आगे का कार्य अपने आप ही सहज हो जाता है, सरल हो जाता है। नेक्स्ट है विश्वास। व्यक्ति किसी चीज़ को तभी सीखता है जब उसे उसकी आवश्यकता होती है, उसे उस विषय के प्रति आस्था और विश्वास होता है। क्योंकि ग्रामीणों को यह विश्वास दिलाना कि नई तकनीक उनके लिए लाभदायक है, उनको लाभ पहुंचाएगी, तो तभी वह उस चीज़ को अपनाते हैं। अदरवाइज वे उसे सुनना भी नहीं पसंद करते। नई तकनीकों के प्रति विश्वास पैदा होने पर ही व्यक्ति उसे अपनाता है। हम भी मार्केट में कोई नया उपकरण लेने जाते हैं, तब उसके बाजार में उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं, उसका डेमो लेते हैं, और जब हमें लगता हम उसे करके भी देखते हैं, और जब हमें लगता है कि हाँ वो अच्छा है, और उसके लिए हमारे मिलने वालों से जो उसको पहले से यूज़ कर रहे हैं उनसे भी हम कई बार बातचीत करते हैं और फीडबैक लेते हैं कि वह उपकरण कैसा है, यूज़फुल है कि नहीं, घर में हमारे काम हमारा कार्य उससे इजी होगा कि नहीं। इस तरह से फीडबैक लेने के बाद ही हम उसे देखने जाते हैं, और देखने के जाने पर भी हम उसका जब तक स्वयं करके नहीं देख लेते उसका डेमो, तब तक हम उसको परचेज करने के बारे में पूर्ण निर्णय नहीं लेते हैं। इसलिए प्रसार कार्यकर्ता की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वह लोगों को मन में नई तकनीक के बारे में, लोगों के मन में नई तकनीक के बारे में विश्वास पैदा करे। जब ग्रामीणों के मन में नई तकनीक के प्रति विश्वास पैदा हो जाता है, तो आगे की क्रिया और भी अधिक सहज हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप आता है नॉलेज, यानी जानकारी, ज्ञान। किसी भी नई तकनीक के प्रति विश्वास व्यक्ति को इस बात के लिए बाध्य करता है कि वह उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करे। जब लोगों के मन में नई तकनीक के बारे में विश्वास पैदा हो जाता है, तब वह उसके बारे में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करना चाहता है। उनकी दिली तमन्ना होती है कि वे अधिक जानकारी प्राप्त करें, और तब प्रसार कार्यकर्ता की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। लोगों को नई तकनीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दृश्य श्रव्य सामग्रियों के माध्यम से दी जा सकती है। विषय विशेषज्ञों को बुलाकर उनसे वार्ता करवा सकते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिया, एक्शन।
अति महत्वपूर्ण स्टेप होता है प्रसाद शिक्षण का, क्योंकि इसका संबंध शिक्षण के व्यवहारिक पक्ष से होता है। किसी भी कार्य से संबंधित शिक्षण तभी सफल माना जाता है जब लोग इस कार्य को करने लग जाते हैं, अपने व्यवहार में अपना लेते हैं। व्यावहारिक शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति तभी होती है जब बताई गई क्रिया को लोग अपने जीवन में अंगीकृत कर लेते हैं। जैसे कि यदि किसान उन्नत बीजों को कोई उन्नत किस्म के बीज बताए जाते हैं और वह उनका प्रयोग करके अधिक उत्पादन प्राप्त कर लेता है, तो यह प्रसार शिक्षण विधि सफल मानी जाती है। इसके ठीक विपरीत, यदि वह पुराने ही तरीकों का से या पुराने ही चीज़ों से अपना कार्य करता है करता हुआ पाया जाता है, तो वह प्रसार से समझ लेना चाहिए कि प्रसार विधि असफल हो गई है। प्रसार कार्यकर्ता को इस चरण में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि क्रिया को अपनाते समय यदि कोई समस्या आती है तो वह उन्हें दूर कर सके, ताकि चाहे वह समस्या आर्थिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, सामाजिक हो, मानवीय हो। ऐसा करने से ग्रामीणों को नई तकनीक अपनाने में उत्साह बना रहता है। नेक्स्ट स्टेप है संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। जब वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हो जाती है तब संतुष्टि प्राप्त होती है, और जब संतुष्टि प्राप्त होती है तो भविष्य में भी उन्हीं क्रियाकलापों की निरंतरता बनी रहती है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें कि किसान यदि उन्नत बीजों का प्रयोग करके अपने उत्पादन में वृद्धि कर लेता है, तो वह आगामी वर्षों में भी उन्हीं बीजों का प्रयोग करना चाहेगा। इसके ठीक विपरीत, यदि उनका प्रयोग करने से उसके उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई है तो उसे संतुष्टि नहीं मिलेगी और वह आगामी वर्षों में उन बीजों तकनीकों का प्रयोग करने में हिचकिचाएगा, उन पर शंका करेगा और वह उसे अपनाने में, उनका यूज़ करने में घबराएगा। नेक्स्ट है मूल्यांकन, सबसे लास्ट स्टेप है प्रसार शिक्षण विधि का, शिक्षण के चरण का, और अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्टेप है मूल्यांकन से, क्योंकि मूल्यांकन से ये पता चल जाता है कि वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति कहाँ तक हो सकी है। यदि नहीं हो पाई है तो क्यों, किसका क्या कारण रहा है। मूल्यांकन एक विश्लेषणात्मक अध्ययन होता है जिससे कार्य संपादन की समस्त लाभ और खामियों के बारे में पता चल जाता है। मूल्यांकन द्वारा कार्य प्रगति से संबंधित सूचनाएं भी समय समय पर प्राप्त हो जाती है, जिससे शिक्षार्थी और प्रसार कार्यकर्ता दोनों को ही लाभ होता है। मूल्यांकन से समय पर दोषों का भी निवारण किया जा सकता है, कमियों का निवारण किया जा सकता है, जिससे कार्य प्रगति की ओर अग्रसर होता है। इतना ही नहीं, मूल्यांकन से ही पता चल पाता है कि लोगों के व्यवहार में किस सीमा तक परिवर्तन आया है। यदि परिवर्तन नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है। अतः जब प्रसार कार्यकर्ता आगामी कार्यक्रम की योजना पुनः बनाता है तो उन तथ्यों को भी ध्यान में रखता है और फिर उसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्षों को ध्यान में रखकर वह कार्य की योजना तैयार करता है। जिन क्षेत्रों में लोग इन पद्धति को अपनाने के लिए उत्सुक होते हैं, वहाँ प्रसार कार्यकर्ता का काम अपेक्षाकृत सहज हो जाता है। परंतु ऐसे क्षेत्र में जहाँ शैक्षणिक स्तर कम होता है, द्रव्य श्रव्य साधनों का लाभ नहीं पहुँचता है, लोग पिछड़े हुए होते हैं, अंधविश्वास रूढ़िवादी होते हैं, वहाँ कार्यकर्ता को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। घर घर जाकर लोगों से संपर्क स्थापित करके मोटिवेट करना उसे पड़ता है। अब मोटिवेशन यानी कि अभिप्रेरणा जिसे हम कहते हैं, एक आंतरिक शक्ति होती है जो लोगों को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। लोगों में उत्प्रेरक शक्ति
तब कार्य करने में सहायता प्रदान करती है जब तक कि वह एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर लेता। निसंकोच कहा जा सकता है कि अभिप्रेरण उत्प्रेरण व्यक्ति की एक आंतरिक अवस्था है जिसके कारण ही वह सीखने की क्रिया को करता है और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। सॉरी, अभिप्रेरणा जो होती है उसी के द्वारा व्यक्ति आगे से आगे कुछ नया करने के लिए तत्पर रहता है। ये तो थे हमारे प्रसार शिक्षण विधियों के स्टेप्स, प्रसार शिक्षण के स्टेप्स। अब किसी भी शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए या संपन्न करने के लिए विधियों का सहारा लिया जाता है, शिक्षण विधियां जिसे हम कहते हैं। शिक्षण विधियां जो होती हैं वो सीखने की क्रिया को सरल और सुगम बना देती है। प्रसार विधियां एक औजार और उपकरण की तरह कार्य करती हैं जिसके अभाव में प्रसार कार्य संभव ही नहीं हो पाता। प्रसार कार्यकर्ता के लिए प्रसार शिक्षण विधियां उतनी ही आवश्यक होती हैं जितनी कि एक मैकेनिक के लिए उसके औजार। एक कुशल मैकेनिक जिस प्रकार किसी मशीन की मरम्मत उन औजारों के अभाव में नहीं कर सकता, ठीक उसी प्रकार एक कुशल प्रसार कार्यकर्ता भी उपयुक्त प्रसार शिक्षण विधियों के अभाव में न तो ग्रामीणों को शिक्षित कर पाता है और ना ही उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन ला पाता है। एक कुशल मैकेनिक जिस प्रकार उसके पास कौन सी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं उसे प्रयोग करने की जानकारी भी उसे होती है और अच्छी तरह जानता है कि उस चीज़ का कब कहाँ और किस प्रकार प्रयोग किया जाना है, कैसे मशीन को ठीक करना है और कौन सा औजार उसमें कब लगाना है। इसी प्रकार किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए प्रसार कार्यकर्ता जब ग्रामीणों को कोई बात बताना या सिखाना चाहता है, तब कोई सभा आयोजित करता है, तब उसे विभिन्न प्रसार शिक्षण विधियों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक होता है। उसे ज्ञात होना चाहिए कि कौन सी शिक्षण विधियां अधिक उपयुक्त हैं, कौन सी लाभदायी हैं, कौन सी कम लाभदायी हैं, उनका प्रयोग कब और कैसे किया जाएगा, किन लोगों के लिए उपयोगी होगा और इसे हम सौंदर्य प्रसाधन के प्रयोग के उदाहरण से समझ सकते हैं कि सौंदर्य प्रसाधन के में जो प्रोडक्ट जहां जिस अंग के लिए बनाया गया है उसे वहीं लगाया जा सकता है। अगर उसके विपरीत जगह उसे लगा दिया जाए तो व्यक्ति जोकर के समान दिखाई देगा, जैसे कि लिपस्टिक लिप्स पे लगाई जाती है, काजल आँखों में लगाया जाता है। यदि लिपस्टिक को आँखों में लगा दिया जाए और काजल को लिप्स पे लगा दिया जाए तो एक हास्यास्पद स्थिति बन जाएगी। यही स्थिति एक प्रसार कार्यकर्ता की भी होती है। यदि प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार शिक्षण विधियों की समुचित जानकारी नहीं हो तो वह उनका प्रयोग सही तरीके से सही समय पर सही स्थान पर सही व्यक्तियों के लिए नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रसार कार्यकर्ता के लिए कुछ बातों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक माना गया है कि उसके पास, जैसे कि उसके पास कौन कौन सी शिक्षण विधियां उपलब्ध हैं, क्या उसे उन शिक्षण विधियों की पूरी जानकारी है या नहीं है, वह शिक्षण विधियां किन के लिए उपयुक्त है, क्या शिक्षण विधियां प्रयोग के लिए सहायक सामग्री उसके लिए उपलब्ध है या नहीं है। जैसे कि टीवी का प्रयोग आपको करना है और बिजली नहीं है या इन्वर्टर की व्यवस्था नहीं है तो आप उसका उपयोग नहीं कर सकते। तो ये मुख्य मुख्य बातें हैं जो प्रसार कार्यकर्ता को ज्ञात होना चाहिए प्रसार शिक्षण करने से पूर्व।
अगर किसी भी प्रसार कार्यकर्ता को इनका ज्ञान होगा तो वह बहुत अच्छे से प्रसार शिक्षण कार्य कर सकता है और उसके द्वारा किए गए कार्यक्रम जो हैं वो अत्यंत सफलता प्राप्त करते हैं। प्रसार शिक्षण जो होता है वो हम बार बार कह रहे हैं कि एक अनौपचारिक शिक्षण होता है जिसमें शिक्षार्थी की आवश्यकता, रुचि, डिमांड, सुविधा को ध्यान में रखकर किया जाता है। जिन बातों को सिखाने के लिए शिक्षार्थी तैयार होता है वही उसे शिक्षा दी, उससे संबंधित ही उसे शिक्षा प्रदान की जाती है। इन बातों को सिखाने के लिए कोई शिक्षार्थी के पीछे प्रेरक शक्ति कार्य करती है जो उसके दिल दिमाग को इन कार्यों को करने के लिए झकझोरती है। मनुष्य की समस्त क्रियाएं जो हैं वो प्रेरक शक्ति पर आधारित होती हैं। कोई न कोई प्रेरक शक्ति होती है तभी व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होता है। प्रसार कार्यकर्ता को सिर्फ और सिर्फ उस प्रेरक शक्ति का पता लगाना होता है और उसे प्रेरित करना होता है। व्यक्ति अपने आप फिर उनके अनुरूप कार्य करने लग जाता है और उन चीज़ों को अपनाने लग जाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है। यहाँ हमारा प्रसार शिक्षण का चरण वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। मुख्य 8 चरण हमने पढ़े हैं और इनके बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम शिक्षण विधियों के बारे में बात करेंगे कि प्रसार शिक्षण विधियाँ क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और किस प्रकार प्रयोग की जाती हैं। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे।